गुड मॉर्निंग। आज 9 मई 2023 है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का मोटिवेशन, सफलता आसान है अगर सही समय पर सही तरीके से वह करो जो सही है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी विनिवेश आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। ये क्वेश्चन UPPCS 2019 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रिपल जंपर प्रवीण चितवेल ने हवाना में प्रुएबा डे कॉन्फेशियन 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता। हाल ही में भारतीय ट्रिपल जंपर प्रवीण चितवेल ने हवाना में प्रुएबा डे कॉन्फेशियन 2023 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 17.37 मीटर के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हवाना क्यूबा की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। हाल ही में मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया। इन्होंने सर्जियो पेरेस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम है बी अवेयर, शेयर और केयर। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेडक्रॉस दिवस को रेड क्रीसेंट दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस ICRC रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। BRO रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में भारत की बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में भारत की बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता। साथ ही 67 किलोग्राम वर्ग में जेरेमी लाल रिनुंगा ने रजत पदक जीता। ये चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई 2023 को भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई 2023 को भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज़ INS मगर को कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवामुक्त किया गया। भारतीय नौसेना का जहाज़ INS मगर को 36 वर्षों के बाद सेवामुक्त किया गया। जहाज़ को स्वदेशी तौर पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया गया था। इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर सिटी कहाँ विकसित की जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी सांची में विकसित की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सांची एक विश्व विरासत स्थल है।
सांची देश की पहली सोलर सिटी होगी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कर्क रेखा पर स्थित सांची शहर में सूरज की सीधी किरणें पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोलर सिटी बनाने का सारा खर्चा CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से जुटाया गया है, यानी इसमें सरकार को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। फंड देने वाली सभी कंपनियां एनर्जी से जुड़ी PSU है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग कहाँ खेली जाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग दुबई में खेली जाएगी। इसका आयोजन 21 जून से 2 जुलाई के बीच होगा। फीडे और टेक महिंद्रा द्वारा संयुक्त रूप से ये लीग शुरू की जा रही है। आज का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग को अगस्त 2014 में समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।